वेलकम टू लवली स्पीक्स चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे एक रोबोटिक्स या फिर कोई भी डांसर का यूज करके कैसे एक गेम बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ सेलेक्ट सॉन्ग का ऑप्शन है जहाँ से हम कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रन का ऑप्शन है, जब हमारा प्रोग्राम बन जाता है तो रन करते हैं। यहाँ ब्लॉक्स है, यहाँ वर्ल्ड, फंक्शंस, डांसर्स, ये सब है। ये वर्क स्पेस एरिया है, जैसे नोटबुक में आप कोई भी कोड लिखते हैं तो कोई भी नोट्स लिखते हैं, वैसे ही यहाँ वर्क स्पेस है। यहाँ से ब्लॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कोड लिखते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक डांसर्स लेती हूँ और डांसर से देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं यहाँ मेक 6 न्यू बेयर्स इन अ सर्कल सेलेक्ट करके यहाँ ड्रॉप की। देखिए जब मैं ड्रॉप करूंगी एक टक साउंड आना है, तब पता चलता है कि वो सेट हो गया। सो देखिए, और अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, 6 न्यू बियर्स की जगह बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे डॉग्स, डक्स। चलिए मैं मूस सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद जाती हूँ प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, सेट ऑल टिन टू कलर, सेट ऑल साइज टू, ये सब आपका बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। चलिए मैं सेट ऑल टिन टू रेड ले आती हूँ। रेड की जगह पर मैं क्या कर देती हूँ, जो भी कलर आपको देना है सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ये कलर सेलेक्ट करती हूँ और उसके बाद फंक्शंस में जाते हैं। वर्ल्ड, वर्ल्ड में देखिए सेट बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर आप क्या देना चाहते हैं, जो भी हमारा वहां गेम अप्लाई होगा उसके बैकग्राउंड में कौन सा इमेज देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं। ये देखिए सेट फॉरग्राउंड इफेक्ट है, इफेक्ट में रेन कुछ भी आप दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सेलेक्ट करके ड्रॉप की और रेन के जगह पर कुछ और भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इमोजीज, हर्ब्स, स्पॉटलाइट। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पिज्जा सेलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, जब यहाँ ये बनेगा तो पिज्जा आएंगे। अब चलिए नेम्ड डांसर में क्या क्या है, ये देखिए डांसर वन क्लैप हाई फॉरएवर। सो चलिए मैं यहाँ से नंबर्स, लॉजिक, ये सब दिए रहते हैं, आपको जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मेजर्स का किधर है, हाँ यहाँ है, देखिए ऑल अल्टरनेटिव एवरी 2 मेजर्स बिटवीन बेबी डॉल एंड क्लैप हाई। तो चलिए मैं यहाँ बेबी डॉल के जगह पर कुछ और डबल डाउन कर देती हूँ, क्लैप हाई रहने देती हूँ। देखिए क्लैप हाई में भी बहुत सारे ऑप्शन है, डबल डाउन, ड्रॉप, फ्लॉस, फ्रेश। ओके, सो मैं बैकग्राउंड कलर के सेट ऑल टिन 2 के जगह पे कुछ और लेना चाहती हूँ, तो इसको सेपरेट करूंगी और इसको डिलीट करने के लिए वापस से ब्लॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। सो चलिए अब इसको मैं फिर से कनेक्ट की और प्रॉपर्टीज के जगह पर सेट बैकग्राउंड कलर किधर है, डांसर्स, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, नेम डांसर, ये सब आपको माइंड में रखना है कौन सा चीज कहाँ हमारा अवेलेबल है। जैसे वर्ल्ड में सेट बैकग्राउंड कलर। ओके, कलर के जगह पर चलिए मैं स्काई ब्लू ले लेती हूँ। ओके, अब ये हमारा बन गया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए स्मॉल स्मॉल पिज्जा आ रहे हैं और ऊपर से ये मेजर्स में यहाँ क्या है हमारा, बिटवीन डबल डाउन एंड क्लैप हाई। तो दो बार तो डाउन कर रहा है और दो बार क्लैप हाई कर रहा है। ओके, और भी आप यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं और चलिए डांसर्स में ले लेती हूँ। मेक अ न्यू कैट एट टॉप। सो यहाँ टॉप के जगह पर मैं सेंटर सेलेक्ट कर लेती हूँ और अब रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ सेंटर में एक कैट आ गया। कैट के जगह पर आप कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं चलिए एक शार्क सेलेक्ट की। अब रन करके देखेंगे तो बीच में एक शार्क आ गया, साइड से ये सब आ गए। और भी आपको चाहिए तो डांसर्स से और भी बहुत सारे सेलेक्ट, लेआउट ऑल एज अ ग्रीड, मींस ग्रीड के साइज में, ग्रीड के शेप में आएंगे।
सो देखिए अब क्या हुआ, ये थ्री थ्री के ग्रीड में बन गए, ये यहाँ सार ग्रीड में आ रहा है। ओके, सेंटर में जो था वो ग्रीड में आ रहा है, तो ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका देखते हैं हम कोड क्या है। जब हमें कोड मोड में करना होगा तो इसका कोड क्या लिखना होगा वो देखते हैं। तो देखिए इसका क्या, व्हेन सेटअप फंक्शन मीन्स जब सेटअप हम फंक्शन में क्रिएट करेंगे, जब हम फंक्शन क्या क्या इसमें यूज हुआ है सेटअप स्टार्ट करने के बाद, मेक न्यू डांस स्प्राइट ग्रुप, यहाँ क्या है मेक न्यू डांस स्प्राइट ग्रुप नेम का फंक्शन बनाया है, जिसमें 6, मूव्स और ये किस पोजीशन में, सर्कल, यहाँ स्प्राइट क्या है मूव्स, सर्कल पोजिशन में मैंने डाला, आप चाहिए तो बॉटम बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ सेट फॉरग्राउंड इफेक्ट एक्सटेंडेड, फॉरग्राउंड में मतलब उसके बैकग्राउंड में क्या इफेक्ट डाला है मैंने, पिज्जा मतलब वहाँ पिज्जा मूव करते हुए आएंगे। अल्टरनेट मूव्स क्या है, स्प्राइट्स टू मूव्स डॉट डबल जैम, मतलब वो क्या कर रहा था, डबल जैम में मूव कर रहा था। और मूव्स डॉट क्लैप हाई मतलब क्लैप कर रहा था वो हाई पोजिशन में। सेट बैकग्राउंड, ये जो हैश 999 FFF 4 टाइम्स आपको दिख रहा है वो क्या है, हेक्साडेसिमल में मैंने इसका वैल्यू रखा है। ओके, तो ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू है। मेक एनोनिमस डांस स्प्राइट, ये क्या है एनोनिमस डांस स्प्राइट, क्या है सार्क, एक जो बीच में मैंने सार्क रखा है और उसका पोजीशन क्या है एक्स का 200 मतलब हॉरिजॉन्टल्स में उसका 200 पोजीशन है, और वाई क्या है वर्टिकल, तो वर्टिकल में 200 रखा। ओके, ले आउट स्प्राइट्स, ले आउट मैंने जो ग्रीड में पोजीशन उसका सेट किया था वो क्या है ले आउट ग्रीड में। ओके, मैंने यहाँ फंक्शन क्लोज किया बिग ब्रैकेट से और स्मॉल ब्रैकेट से, और ये सेमी कॉलम क्या चीज के लिए यूज होता है, टर्मिनेट करने के लिए। सो ओके, मैंने यहाँ फंक्शन बना लिया, तो ये कोड मोड है। सो आप प्लीज वॉच कीजिए मेरे प्लेलिस्ट में, मैंने एंग्री बर्ड पोंग गेम, फिर कैसे डांसिंग एलियंस का गेम बनाते हैं, फिर कैसे ऐप लैब गेम लैब ऐप ये सब में गेम क्रिएट करते हैं, वो सब मैंने रखा है प्लेलिस्ट में। सो थैंक यू एंड लाइक्स माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब।